तो कुछ ऐसा है नोएडा शहर, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर। और मैं खड़ा हूँ अभी DND के यमुना ब्रिज पर, देख सकते हैं ये यमुना बह रही है हमारे नीचे, ये देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। तो अभी मैंने इन्हीं बिल्डिंगों की आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी गाइस, ये देखो। और यहाँ से ही ये देखिए, ये भी नोएडा में पड़ती हैं। और आपको बता दें यहीं से DND से ही स्टार्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि उधर वर्क भी चल रहा है। तो आपको उधर का भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तो बारिश चल रही है तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। और आपको बता दूँ कि इधर बनाई जा रही है RRTS मेट्रो स्टेशन, वो मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, तो उसका ब्रिज बन रहा है, देख सकते हैं पल्ली साइड में देखो। तो मैं आपको उधर की दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं चलता हूँ उधर ही आप लोगों को, फिर दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि उधर कितना कुछ काम चल रहा है अभी दिल्ली मेरठ RRTS पे, जो यमुना पे ब्रिज बनाया जा रहा है। और बेल फाउंडेशन बन चुके हैं और उनके अंदर से जो वर्क चल रहा है, जो अंदर से काटा पीटी का काम चल रहा है, वो किया जा रहा है अभी। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है ये DND का फ्लाईवे, ये देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ इस टाइप का बना हुआ है गाइस। और ये बह रही है यमुना रिवर, ये देखो कुछ ये नज़ारा है यहाँ का। और अभी तो बरसात पड़ रही है, इधर सूखा पड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है गाइस, ये देख सकते हैं। और ये देखो बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची है यहाँ हमारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की गाइस, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये है तस्वीरें। दोस्तों मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड में, देख सकते हैं तस्वीरें। और अब आपको दिखाते हैं कि RRTS का जो कितना काम है, यो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है हमारे भारत में, पहली बार रैपिड रेल दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार। तो देख सकते हैं ये वॉल फाउंडेशन तो बन चुके हैं, और इनके अंदर से भी अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं गाइस, जो कि एक उधर का बचा है, एक वो बचा है जिसमें से देखिए वो क्रेन मशीन लगी हुई है, मिट्टी निकाल ली है इसके अंदर से, और फिर ये बेल फाउंडेशन, फिर ये अंदर धस जाता है गाइस, ये धसते चले जाते हैं, ऐसे ही काम चल रहा है वहाँ पर। सराय काले खां चलकर आपको दिखाते हैं। तो आज का व्यू कुछ ऐसा ही है गाइस, देख सकते हैं न्यू अशोक नगर के लिए ये यमुना नदी बह रही है गाइस, यही सीन है, नज़ारा है यहाँ का। चलते हैं आपको दिखाते हैं गाइस। ये बनाया जा रहा है DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देख सकते हैं वो लॉन्चर लगा हुआ है, वो देख सकते हैं वो लॉन्चर लगा है वहाँ पर। इधर देख सकते हैं ये पिलर भरे जा रहे हैं अभी, ये देखिए ये पिलर भरे जा रहे हैं। इसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा जल्दी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। और ये देखिए ये ऐसे निकलता हुआ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा ऐसे ऐसे घूमता हुआ, ये निकल जाएगा सीधा कालिंद्री कुंज होते हुए, फरीदाबाद होते हुए, और ये निकलेगा जाएगा KMP पे। आपको जल्दी अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये सीधा आश्रम के लिए चला जाता है, आश्रम और तुम्हारा लाजपत नगर, ये फरीदाबाद के लिए ये बिल्कुल सीधा सीधा चला जाता है गाइस। ये देखिए अब ये फ्लाईओवर बन चुका है, पहले नहीं था, इसका भी मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिलेगा इस रूट का देखने के लिए। तो अभी तो हम चल रहे हैं सराय काले खां के लिए गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा जाम है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से, बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा।
यात्रमी चौक बोलते हैं वैसे तो। तो दोस्तों बता दूं आपको कि यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है, इसी जगह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो जाता है गाइस डीएनडी से, तो यहां पर एंड हो जाता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है डीएनडी। देखते हैं तस्वीरें, ये सूर्य घंटा, दो पिलर ये बने हुए हैं आरआरटीएस के, और ये बारह पुल्ला है, तो अभी इस पे देख सकते हैं इन पे अभी पिलर कैप का काम नहीं हुआ है, तो इन पे काम होना बाकी है पिलर कैप का गाइस, क्योंकि दो पिलर इसके नीचे से हैं। देखिए एक पिलर तो ये है, ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है, और ये बारह पुल्ला चला जाता है एम्स के लिए गाइस। तो हम चलेंगे आज तराई काले खां से जो स्टार्ट हो रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, जो बनाया जा रहा है रैपिड रेल, जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाइस, जिसका आधा काम कंप्लीट हो चुका है और आधा बचा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग यहां से, अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और इससे जैसे ही आगे को चलेंगे तो ये आ जाता है आईएसबीटी सराय काले खां बस अड्डा निजामुद्दीन स्टेशन। ये देखिए अभी वर्क चल रहा है, ये देखिए पाइलिंग मशीन लगी हुई है इस आरआरटीएस पे, तो कितना कुछ काम हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखना गाइस। देखिए क्योंकि आपको बता दूं कि आधे पिलर तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका ये फर्स्ट फ्लोर बनाया जाएगा वहां तक ये कंप्लीट कर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें ये है। इस पर देखिए एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जा चुका है, और इधर किया भी जा रहा है गाइस, इधर देख सकते हैं ये किया भी जा रहा है, इधर देख सकते हैं ये, और दोनों साइड में पाइलिंग मशीन लगी हुई है। ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है गाइस, तो कौन कोर्स तक तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए वर्क चल रहा है इस पर। और इधर आ जाता है ये बेस्ट ऑफ बंडर पार्क, ये देखिए सात अजूबे, इधर भी वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, ये देख सकते हैं अभी इधर वर्क चल रहा है। पर आपको बता दूं ये सीधा आईटीओ राजघाट आनंद विहार के लिए लेफ्ट में, और गाजियाबाद के लिए राइट में, आनंद विहार के लिए राइट में, और बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो हम चले जाएंगे सीधे। तो ये देखिए बेस्ट ऑफ बंडर पार्क तो अब ये ख़त्म हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आरआरटीएस बनाई जा रही है। देखिए दो ये लग रही हैं पाइलिंग मशीनें, तो आपको आकर दिखाएंगे जल्दी, इसका अपडेट देने वाला हूँ मैं। तो अब चलेंगे हम NH24 पर गाइस, ये देख सकते हैं हम यहाँ से राइट हो रहे हैं गाइस, ये राइट चल रहे हैं हम गाजियाबाद साइड, गाजियाबाद के लिए, और बिल्कुल अगर स्ट्रेट जाते हैं तो हम आईटीओ और राजघाट प्रगति मैदान के लिए सीधे चले जाएंगे। इधर देख सकते हैं तस्वीरें, ये गाजियाबाद की साइड से ही वाहन आ रहे हैं। आनंद विहार, और ये आ जाता है खेलगांव, इधर खेलगांव है गाइस। और आपको आज बताने वाला हूँ कि देहरादून एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देख सकते हैं ये अक्षरधाम यहाँ से ख़त्म हो जाता है यहाँ पर,
पर यहाँ तक ये एंड यहाँ तक स्टार्टिंग हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, वो यहीं से स्टार्ट होगा। देखिएगा ये देखिए ये फ्लाईओवर है, ये यहीं से स्टार्ट होता है, ये लेफ्ट हैंड पैथ है, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्क भी चलना स्टार्ट हो गया है, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा। यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो चलो एंजॉय करना इस वीडियो को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गाइस आपको बता दूं, देख सकते हैं ये साइड वॉल का काम चल रहा है, ये साइड वॉल लगाई जा रही है, जिस पर ये ब्रिज रखा हुआ था ये स्टील का, वो तोड़ दिया गया, अब इस पर साइड वॉल लगाई जा रही है, उधर देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोगों को जल्द अपडेट देखने के लिए मिलेगा इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का गाइस, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से, वो देख सकते हैं ट्रक लगा हुआ है, ला रहा है उठा उठा के सामान, देखिए आप लोग।